नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर अपर निजी सचिव के बारे में जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि ये 10 साल बाद आपका जॉब आ रहा है, तो इसमें क्या काम करना होता है, पोस्टिंग क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, छुट्टियां क्या होते हैं, वर्क क्या है, इसका पावर क्या है, क्योंकि इससे पहले ये ग्रुप बी जो है सी का पोस्ट होता था, अब ये बी हो गया है, गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट हो गया है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे अपर निजी सचिव एपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा प्लस टीम के द्वारा इस कोर्स को चलाया जा रहा है, आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर जाएंगे तो कोर्सेज में और वहां पर एपीएस का कोर्स होगा, वहां से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, ये रहा देखिए एपीएस का ऑफर प्राइस चल रहा है, 5000 का कोर्स है पूरा, इसमें आपको कराया जाएगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है जीएस वाला पेपर और हिंदी का जो सब्जेक्टिव वाला पेपर होने वाला है, सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। आपका ऐसे राइटिंग से लेकर पत्र लेखन तक सब कुछ कवर होगा, ठीक है। तो ये 1250 में है विद प्लस जीएसटी के साथ, आप परीक्षा प्लस ऐप से इनरोल कर सकते हैं। जो लोग बच्चे इच्छुक हैं, 1 तारीख से मतलब 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, अभी आपका ऑफर प्राइस में रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो अब हम आते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, छुट्टियां कैसे होंगी, पावर क्या है, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो पे स्केल है इसका लेवल वो 8वां लेवल है, मतलब 47600 से लेकर 151100 तक है। ग्रेड पे आपका 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है, जो आरओ की होती है सचिवालय में, ठीक है, ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है। अब ये ग्रुप बी का हो गया है, पहले ये सी था, गेजेटेड ऑफिसर इसे बना दिया गया है, तो समझ रहे हो कि गेजेटेड ऑफिसर बनते ही इसमें पावर आ जाती है। अब हम लोग एक एक करके इसके सबसे पहले सैलरी की बात करेंगे, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं, तो ग्रेड पे को आपको मैंने बता ही दिया, तो जो बेसिक पे बनता है आपका वो 47600 रुपया बनेगा। अब इस बेसिक पे पर 4200 ग्रेड आपका 42% जो होगा वो अब डीए मिलने लगा है, 38% से आपका हाइक हो चुका है, तो ये 42% आपके बेसिक पे पर लगेगा, तो 19992 ये हो गया। एचआरए आपका वैरी करता है 5000 से लेकर 8000 तक, ठीक है, वो 5000 मिनिमम जान लो और उसका धीरे धीरे काम करोगे तो वो 8000 तक आपका जाता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट अलायंस 3000 से 5000, ये आपको जो ज्यादा अलायंस जो मिलते हैं उसमें मैं सिर्फ एचआरए और ट्रांसपोर्ट लिया हूं, बाकी छोटे मोटे 1500 वाले अलायंस भी मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो जो सैलरी आपकी बनती है 75592 से लेकर 80592 रुपया बनती है। अब इसमें आपका एनपीएस जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके तहत आपका 10% कट जाता है। वो 10% किसका कटता है, आपका डीए और बेसिक पे मिलाकर, इसका दोनों का मिलाकर 10% आपका डिडक्ट हो जाता है, एनपीएस में चला जाता है। तो 6760 रुपया ये एनपीएस में चला जाएगा। फिर आपका इनकम टैक्स कट जाएगा, आप इनकम टैक्स के दायरे में आए हुए तो ओवरऑल कटने पिटने के बाद इन हैंड सैलरी जो आपका बनेगी कम से कम 69K से लेकर 70K तक आपको मिल जाएगी। मतलब अच्छा खासा जॉब है, सैलरी भी जबरदस्त है, पोस्ट भी जबरदस्त है, आपकी पोस्टिंग भी ऐसे जगह पे होगी जो राजधानी है आपकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। तो इसकी सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, परसेंटेज कुछ भी नहीं मांगा है, और CCC का सर्टिफिकेट चाहिए या इसके इक्विवेलेंट चाहिए, CCC के इक्विवेलेंट कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए, और स्किल्ड नॉलेज आपको चाहिए। जैसे स्टेनो अगर आपने सीखा है, 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो आता है, टाइपिंग हिंदी की आती है, इंग्लिश टाइपिंग तो आपका अल्टरनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, करना है तो करो नहीं तो नहीं, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, फॉन्ट आपका दो चीजों में आपको होना चाहिए, कृति या मंगल पे आपको आना चाहिए। एज आप जानते हो 21 से 40 है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जिसमें एक पेपर जीएस का होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद से आपका स्टेनो टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है CKT। इन चरणों से आपको गुजरना होगा इस पोस्ट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो पोस्टिंग कहां होगी भैया, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो उत्तर प्रदेश के सबसे उच्च संस्था जो सचिवालय है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है, सेक्रेटरिएट में पोस्टिंग मिलती है। जॉब टाइमिंग आपके 9:30 से
चार तक है, ठीक है, तो अच्छा खासा जॉब टाइमिंग भी आपका है, बहुत ज्यादा हैट्रिक नहीं है, जब कार्य रहेगा ज्यादा तब आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, ये तो हर डिपार्टमेंट में होता है। आपके कार्य क्या है, सबसे पहले कि आपकी जब नियुक्ति होगी तो आपको कार्य क्या करना होगा सचिवालय में, ये ध्यान रखिए। आपकी जो नियुक्ति होती है वो आईएएस अधिकारियों के साथ होती है, एक तरह से बोला जाए, यहां पर देखिए आईएएस स्तर के अधिकारी या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके साथ होती है, ये ध्यान रखिएगा, उनके साथ नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधायक और अन्य मंत्रियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, मतलब जैसे मान लो मुख्यमंत्री होंगे चाहे मंत्री होंगे, कोई किसी से मिलना चाहता है, कोई अधिकारी ही किसी मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से मिलना चाहता है या आपके सीएम से मिलना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले आप आओगे, आप ही जो है ऑफिसर को मंत्री तक ले जाने का काम, एक सेतु का ब्रिज का काम आप करते हो, आपके थ्रू ही अपॉइंटमेंट जो होता है, आपके जो मिनिस्टर होते हैं या चाहे आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं उनसे आपके ही थ्रू अपॉइंटमेंट ली जाती है। विभाग की बैठक कि देखो सूचना, जैसे अगर हम बात करें कि सचिवालय आपका हेड होता है, सभी विभाग का हेड वहां पे हो, तो वहां पे सभी विभागों का जब बैठक कराया जाएगा तो सभी विभाग को सूचना भेजने का कार्य भी आप ही का होगा कि आप भेजिए और सभी विभागों को बुलाया जाए एक बैठक कराने के लिए, कोई भी किसी भी स्तर पर। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और अन्य अधिकारी एपीएस के माध्यम से ही मिल सकते हैं, वही मैंने जैसे बताया कि अगर एक अधिकारी को एक मंत्री के साथ मिलना है तो वो एपीएस के थ्रू मिल सकता है, डायरेक्ट नहीं, उसी के अपॉइंटमेंट कराएगा, फिक्स अपॉइंटमेंट होगा तब जाके वो अधिकारी मंत्री से मिलेंगे। मीटिंग और आवागमन से संबंधित कई प्रकार के पत्र आदेश एपीएस ही जारी करते हैं, और जो कर्तव्य है आप ये वेबसाइट पर जाओगे सचिवालय के तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, श्रुति लेख लिखना तथा उन्हें टंकित करना, ठीक है, दूरभाष से प्राप्त होने वाले संदेशों को सुनना, जो आपके टेलीफोनिक से आते हैं उसको समझना, रजिस्टर में रखना, किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने या किसी मंत्री द्वारा त्याग करने पर कार्यालय की साज सज्जा तथा सामग्री, मतलब अगर कोई अधिकारी आपका ट्रांसफर हो रहा है, कोई मंत्री त्याग पत्र दे रहा है, तो जो आपका एक तरह से बोला जाए ऑफिस का माहौल होना चाहिए उसको आपको सुटेबल रखना है, ये आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद से दूरभाष और ट्रक के संदेशों को बुक करना तथा उनके लेखा करना, जो भी आपके संदेश संदेश आ रहे हैं वो सब बताना। फिर आपके ऊपर जो निजी सचिव होते हैं, आपके जो ऊपर निजी सचिव होते हैं की अनुपस्थिति में, ठीक है, विजिटर जो आपके आते हैं, आपके कोई विजिटर आ गया, ठीक है, मान लो कोई अधिकारी कोई मंत्री आ गया, तो आपके अगर निजी सचिव, मेन निजी सचिव का काम होता है कि जो भी विजिटर आते हैं उनका स्वागत वागत करते हैं आपके, तो वही बात है अगर ये नहीं उपस्थित है तो आपको उनका स्वागत वागत करना है, ये ध्यान रखिएगा। शिष्टाचार तरीके से एक तरह से बोला जाए, जो प्रोटोकॉल आपका बना होगा उसी प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर आपको काम करना है। सीधे प्राप्त की गई रसीदों को रजिस्टर में दर्ज करना तथा उनके संचालन के अभिलिखित करना, जो भी आपके कार्य में रजिस्टर जो भी रसीद होंगे उन सब का एक तरह से बोला जाए डेटा मेंटेन करना, ये आपका काम रहेगा। मंत्री या अधिकारियों के दौरे के कार्यक्रम के आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजना, अच्छा हाँ ये भी काम आपका ही होता है कि मान लो अगर जैसे बीच बीच में क्या होता है मंत्री दौरा करते रहते हैं जिले जिले पर, हर जगह आपके जिले पर जाते रहते हैं, ब्लॉक स्तर पर जाते रहते हैं, तो वो सूचना अधिकारी है तो भेजना कि आज भाई साहब मंत्री साहब जाएंगे आपके जिले में दौरा करेंगे, तो ये सूचना भेजना उन ऑफिसरों को, ये भी काम आपके कौन करते हैं, एपीएस ही करते हैं, ठीक है। उनके हवाई यात्रा इत्यादि की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी जो है इन्हीं के पर होती है, यात्रा बिलो इत्यादि को तैयार करना और उनका लेखा करना, जो भी ये खर्चा आता है, जो भी आपके मंत्री जो जाते हैं, ठीक है, दौरा करते हैं, चाहे सीएम हुए चाहे कैबिनेट मंत्री हुए, तो इन सब के जो खर्चे होते हैं उन सब का एक तरह से लेखा जोखा रखना इन्हीं का कार्य होता है। तो ऐसे आपके कई कार्य हैं जो आप यहां पे, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके प्रमोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आप अपर निजी सचिव बनकर जाते हो 4800 ग्रेड पे तो आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो प्रमोशन देखो, प्रमोशन आपका अपर निजी सचिव से निजी सचिव पर होता है, जो ग्रेड पे आपका चेंज होगा 5400, और ये निजी सचिव आपका ग्रेड वाइज होगा, जैसे ग्रेड वन होता है, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर, ऐसे होते हैं निजी सचिव में, तो ये आपका निजी सचिव 1, 2, 3, 4 आपके ग्रेड तक ये प्रमोशन होता है। उसके बाद से निजी सचिव ग्रेड फोर के बाद सीधे आप बनते हैं प्रमुख या मुख्य सचिव, किसी भी विभाग का सबसे उच्च अधिकारी, एक तरह से बोला जाए आईएएस रैंक का अधिकारी, आप मुख्य सचिव बनते हैं 8900
ग्रेड पे पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कितने समय में होता है, समय लग सकता है आपको यहां से अपर निजी सचिव से निजी सचिव बनने में कम से कम 7 से 8 साल आपको लग सकता है, ये ध्यान। अब डिपेंड करता है ऊपर पोस्ट कैसे खाली है, ठीक है, हो सकता है 5 साल 7 साल, 5 साल से ऊपर, 5 साल से नीचे तो कोई प्रमोशन आप सोचो भी मत, ठीक है। उसके बाद से और जैसे जैसे ऊपर के पोस्ट पे जाओगे ये समय और भी ज्यादा लगने लगता है, 10 साल 12 साल, ठीक है, ऐसे लगने लगते हैं। तो वो मान के चलो कि ऑलमोस्ट 8 से 9 साल आपको प्रमोशन में लग ही जाएगा एक पोस्ट पर पहुंचने के लिए। लेकिन पोस्ट आप समझ रहे हो कि अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हो तो आप देख लीजिए कि आपको कितना उच्च पोस्ट यहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत कम ही लोग यहां तक पहुंच पाते हैं, जाते जाते क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद उनको जॉब मिलती है, एज तो ऑलरेडी आपका 30-32 साल तो इधर ही हो जाता है, ठीक है। तो कहां से यहां तक पहुंच पाए, जो एकदम 21 साल में ज्वाइनिंग करेगा ना वो कहीं ना कहीं मुख्य सचिव पर पहुंच सकता है। अब मुख्य सचिव आप सब जानते हो चीफ सेक्रेटरी होता है, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक, ठीक है, सेवाओं के वरिष्ठतम पद यह है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की समवर्ग स्थिति है, मतलब मैंने जैसा बोला आपको आईएएस वाला जो रैंक होता है उसके उस पर वो ये पोस्ट होती है प्रमुख सचिव की, ठीक। तो ये सबसे उच्च पोस्ट होता है किसी भी विभाग का। तो यहां तक आपकी क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दिया एपीएस का कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए। बाकी जो डिटेल में आपको अगर जानना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप पूरा डिटेल वहां देख लीजिएगा कि स्टेनो के बाद कैसे आपका स्टेनो में जो टाइपिंग होता है उसमें भी आपको मार्क्स स्पीड के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये सब चीजें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी के डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या आता है। तो सिलेबस से रिलेटेड और पूरा आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, आप सभी वहां से पूरा डिटेल देख सकते हैं। बाकी मैं एक ओवरव्यू आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में, टाइमिंग के बारे में, आपकी पोस्टिंग कहां होगी, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। बाकी जो बच्चे इच्छुक हैं 1 तारीख से इसका कोर्स का पूरा संचालन हो जाएगा और ये जो ऑफर है आपका 1 तारीख तक ही रहेगा, 1 तारीख के बाद ये ऑफर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी बैच जो है हमारा, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत या समस्या होती है तो आप जो ये नंबर दिख रहा है 9450006007 या 9129769070 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि इस कोर्स से कैसे ज्वाइन होना है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एपीएस से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना जो भी डाउट हो आप रख सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।